गुड इवनिंग एवरीवान कैन यू हेयर मी मेरी आवाज आ रही है सबको या नहीं फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ क्या मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद An Academy लाइव क्विज which इज गोइंग टू बी सुपर सुपर ऑसम बट मैं तारीफ करूं या बातें करूं आई थिंक उससे पहले मुझे चेक करना चाहिए है ना कि क्या ऑल ऑफ यू कैन hear मी और नॉट सो जस्ट गिव मी वन second. मुझे बताओ मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं पहले तो जल्दी जल्दी बता दो री मच एक्साइटेड टू स्टार्ट द्विज है टाइटल भी यही है दैट यू हैव टू नो योर परफॉर्मेंस रेटिंग आर्य आवाज आरिया ओके देखा जाए देखा जाए आवाज आ रही है या नहीं ये भी देख लेती हूँ कौन कौन से स्टूडेंट लाइव है Yes, so, so many students are here, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आज हैं जरा फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लू कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक है मेरी आवाज आ रही है कौन कौन है कुलदीप इज दर विद्या इज दर यश इज दर ऋत्वी इज दर रिधिमा इज दर दर्शन इज दर राहुल इज दर पांडे जी इज दर सनी कुमार इज दर ओके सो गाइज वेलकम टू द्लास वन सेकैंड आई होप सब बच्चों को पता है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है और जो नया बच्चा आया है चैनल पर उसको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं या कोई भी और टीचर जब भी लाइव आएंगे और तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हम लाइव आए हैं बिकॉज नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी So make sure right away, अभी अभी सबसे पहले इस YouTube को 11, 12 को क्लास कर लो ठीक है जल्दी से बेल हिट हो जाना चाहिए बस एकदम घंटी बजा दो लो है ना ओके okay. सो so जो भी बच्चे नए हैं जो मुझे नहीं जानते थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देती हूँ गाइज माई नेम में साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ आई आई टी रूटकी टेंस ई स्टेट टॉपर वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद के वी पी वाई फेलोशिप जब मैं ग्रेट ट्वेल्थ में थी टीचिंग करियर की बात करूँ तो लास्ट सेवन ईयर से आई है बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिया में गल्फ में सो so, खूब सारा टीचिंग एक्सपीरियंस है बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी आई आई टीज मिली एन आई टीज में एडमिशन हुआ ठीक है मेडिकल कॉलेज में गई है सारे बच्चे बहुत सारे सो आई थिंक जो भी बच्चा जो भी मुझे इस टाइम लाइव देख रहा है ठीक है अगर तुम में से कोई भी बच्चा इस ड्रीम के साथ आया है कि मुझे आईआईटी जाना है मुझे एनआईटी जाना है मुझे मेडिकल का बेस्ट कॉलेज चाहिए इंडिया का ठीक है या फिर मुझे सीबीएसई या तुम्हारे स्टेट बोर्ड में एकदम एकदम बढ़िया मार्क्स चाहिए सो आई थिंक ये जितनी भी मैं क्लासेस ले रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है ठीक है जिन बच्चों को अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पता उनको भी मैं बताना चाहूंगी और मैं बताती भी रहूंगी उससे पहले काम करते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे प्लस वाले स्टूडेंट्स भी हैं सो एक काम करती हूँ मैं क्विज का कोड तुम्हें बता देती हूँ लेट मी टेल यू द कोड फॉर टूडेज क्विज ताकि जिन बच्चों को पता है क्विज कैसे ज्वाइन करते हैं वो कम से कम फटाफट ज्वाइन कर लें बिकॉज आज हमें जल्दी से क्विज स्टार्ट करनी है है ना गिव मी वन सेकेंड होस्ट कर दी जाए टॉपिक्स ले लिए जाए तुम्हारे लेटमी uh, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विज ले लें ऑर्गेनिक करें या एक काम करते हैं ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स में तुम्हें दे देती हूँ ठीक है आई बी गिविंग यू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स टुगेदर तो दिस इज लेट्स क्रैक ऑर्गेनिक टी क्वेश्चन क्विज में थर्टी क्वेश्चन है ठीक है एंड टाइम दे देती हूँ मैं तुम्हें ओके फोर्टी सेकेंड सो आई है क्विज सब बच्चों को क्विज दिखाई भी देगी आज मैंने ये थोड़ा क्विज uh, के जो क्वेश्चंस दिखेंगे ठीक है अच्छे से दिख जाएंगे तुम्हें कोड दिख रहा है सबको कैन यू ऑल सी द कोड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं थर्टी क्वेश्चन है, क्या बात है ज्वाइन करने शुरू भी हो गए सारे बच्चे बहुत बढ़िया ठीक है सो जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता कि ज्वाइन कैसे करना है उनको मैं साथ साथ गाइड करती जाऊंगी जस्ट गिव मी वन सेकेंड एक बार देख लेते हैं कि सब सब बढ़िया है ना कोई दिक्कत नहीं है ज्वाइन जिन जिन्होंने ज्वाइन कर दिया एक बार मुझे चैट में बता देना कि मैम वी हैव हाँ ज्वाइन ठीक है अब मैं तुम्हें बताती हूँ अन अकेडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में तुम्हें पता है कि प्लस पर मेरा नया कोर्स आने वाला है जहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट सो खाली मैं नहीं बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अन अकेडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं प्लस 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 मैं इतनी बार बोल रही हूँ मैं इसका तुम्हें थोड़ा सा मतलब बताती हूँ यहाँ पर तुम्हें रेगुलरली लाइव क्लासेस मिलेगी रेगुलर ऑलमोस्ट रेगुलरली हर रोज डेली और वैसे मैं बोल रही हूँ ना एक एक नहीं तीन तीन क्लास तो मिनिमम होती ही होती है हर टीचर एक एक क्लास लेगा रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी तुम टीचर से बात कर सकते हो खैर आज मैंने एक चीज़ बड़े ध्यान से सोची है और आई थिंक वो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आज जब तक मैं टेस्ट स्टार्ट नहीं करती हूँ तो मैं जब स्पेशल क्लासेस पे क्यू एन ए लेती हूँ ना तो उसमें बहुत सारे बच्चे अपने बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं तो आज भी जब तक मैं क्विज नहीं स्टार्ट करूंगी तब तक लेट्स हैव अ क्यू ए सेशन ठीक है यूट्यूब पर मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करती जाऊंगी ओके okay? सो so, अपने डाउट सोच लो जो तुम्हें मुझसे पूछने हैं फाइन सो यहाँ पर तो देखो आज मैं शायद तुम्हारे से इंटरक्ट कर रही हूँ डेली जब मैं पढ़ाती हूँ तो उतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाती राइट जो भी बच्चे प्लस में आते हैं वो बड़े आराम से एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं आज जैसे क्विज में लाइव पोल्स होंगे ना ऐसे लाइव पोल्स के के लिए तुम्हें सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को वेट नहीं करना पड़ेगा एवरी डे एवरी स्पेशल क्लास एवरी प्लस क्लास वहां पर तुम्हें लाइव पोल्स मिलेंगे ठीक है टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा लाइव डाउट रिमूवल सेशन मिलेंगे एंड ये जो स्लाइड है ना ये सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बहुत सारे बच्चों को पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि ना साक्षी मैम की केमिस्ट्री समझ आ जाती है बट किसी और टीचर की केमिस्ट्री समझ नहीं आती या वाइस वर्सा साक्षी मैम की केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आती बाकी टीचर्स की समझ आ जाती है है ना तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है ना जो टीचर स्पेसिफिक होते हैं कि भाई हमें इसी टीचर से पढ़ना है इस टीचर से नहीं पढ़ना है ना वो सारे बच्चे उन सारे बच्चों के लिए देखो कितने सारे बैचेस कितने सारे टीचर्स कंटीन्यूअसली अन अकैडमी क्लास 11 12th की टीम पर पढ़ा रहे हैं ठीक है रोज रोज रेगुलरली क्लासेस होती हैं एक कोर्स खत्म हुआ दूसरा कोर्स स्टार्ट हुआ खत्म हुआ स्टार्ट हुआ ये पूरा प्रोसीजर चलता जा रहा है ठीक है so, सो यहाँ पर यू गेट द फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर टीचर्स चूजिंग योर बैचेस ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग तो टॉपर नहीं हैं तो क्या हम टॉपर बैच में नहीं आ सकते आ सकते हो मतलब हर चीज ओपन है हर बच्चे के लिए ठीक है करोगे क्या आनेक अकेडमी की लर्निंग ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लो इवन जो भी बच्चे आज क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग क्विज बट क्विज ज्वाइन करने के लिए पहले ऐप डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड होनी चाहिए ठीक है उसके बाद अपने प्लस पे जाओगे ग्रेड चूज कर लेना इलेवेंथ और ट्वेल्थ फिर सब्सक्रिप्शन लेना ये प्राइजेस हैं मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए, लिए लिख रखे हैं ठीक है थीके? दो टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं एक है प्लस एक है आइकॉनिक प्लस में क्या होगा प्लस में तुम्हें जो भी मैंने फीचर्स बताए थे ना वो सारे फीचर्स मिलेंगे आइकॉनिक में क्या होगा ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग अ अ पर्सनल पर्सनल कोच मेंटर मैं जिन बच्चों की मेंटर हूँ ठीक है मैं अपने बारे में बताती हूँ मैं जिन बच्चों की मेंटर हूँ उनको मैं प्रॉपरली गाइड करती हूँ आई गाइड देम कंटिन्यूसली थ्रू आउट द वीक थ्रू आउट द डे मतलब पूरा का पूरा मैं उनको गाइड करती हूँ कि देखो आज इतनी कोशिश करना कि यहाँ से यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिजिक्स का 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 इतना 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 पोर्शन कर 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 लेना का इतना कर लेना का इतना कर लेना मैथ्स केमिस्ट्री इस बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना हर चीज में उनको गाइड करती हूँ डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे प्रॉपर गाइडेंस तुम्हें मिलती रहेगी ठीक है सो so, प्राइजेस तुम देख सकते हो अगर यहाँ पे दो साल का लोगे सो यू कैन यूज दिस कोड एक कोड है ठीक है लेट मी टेल यू द कोड विच आई है लेना ठीक है

एंड ज्वाइन uh, किया है अठारह ने तो मैं नहीं स्टार्ट करूँगी आई विल नॉट स्टार्ट द क्विज़ यार मैं हर ट्यूज़डे हर थर्सडे सिर्फ यही बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी ज्वाइन करो अब तुम्हें खुद समझ आ जाना चाहिए जो भी बच्चे ट्यूसडे और थर्सडे को लाइव आते हैं मेरे साथ यूट्यूब पे क्विज़ में पार्ट लेने के लिए उनको अब अपने आप ही ये बात पता होनी चाहिए कि मैम तब तक स्टार्ट ही नहीं करती हैं जब तक जितने बच्चे लाइव हैं ठीक है उतने सारे के सारे बच्चे क्विज में होने चाहिए तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगी तब तक लेट्स हैव योर क्यू ए ठीक है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं तुम मेरे से पूछते जाओ ओके सो लेट्स सी डाउट्स लेती हूँ तुम्हारे मैम अंश इज आस्किंग अंश पहले तो तुम मुझे ये बताओ हैव यू द क्विज मैं उसी के डाउट लूंगी जिसने क्विज ज्वाइन किया नहीं तो मैं डाउट ही नहीं कंसिडर करूंगी तो अंश पहले यह बताएगा हैव यू द क्विज और नॉट जल्दी जल्दी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उन सारे बच्चों का नुकसान होगा अगर हम क्विज लेट स्टार्ट करेंगे ठीक है जल्दी अच्छा अंश इज इन सो अंश इज आस्किंग मैम क्या है वेन इज ग्रुप थर्टीन पार्ट टू कमिंग कल होगा कल कल हम ग्रुप थर्टीन का पार्ट टू करेंगे ओके okay? अंश का क्वेश्चन हो गया हाँ जी तो जिन जिन्होंने ज्वाइन कर लिया लिख दो मैम ज्वाइन और उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछो अदरवाइज मैं तुम्हें ये बता देती हूँ चलो कल मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ ठीक है और जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैं आपसे लूंगी मेरी प्रोफाइल को मेरी आईडी को फॉलो कर लो विच इज़ वी ओ आर ए टू सेवन जीरो फोर उन बच्चों को पता ही नहीं है कि आईडी किस चीज़ की है जिनके पास लर्निंग ऐप नहीं है सो मेक श्योर राइट अवे अभी अभी अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड हो जानी चाहिए इंस्टॉल हो जानी चाहिए ठीक है तो जब तुम डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे अगर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करोगे ना सो यू हैव टू एंटर वन इनवाइट कोड मैं तुम्हें इनविटेशन भेज रही हूँ ठीक है मतलब मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ यार मेरी क्लासेस में आओ सो so ये स्पेशल क्लासेस कंप्लीटली फ्री है चिंता मत करो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग बट उनको अनलॉक करना पड़ेगा ताला तोड़ना पड़ेगा इसे चाबी लगानी पड़ेगी ठीक है सो चाबी किससे लगाओगे इस कोड से एस ए के एस एच आई एल आई वी ई फाइन बताओ आस्क योर डाउट्स गाइस मोस्ट वेलकम देखो मैंने तुम्हें बोला है यू आर इनवाइटेड टू माय क्लासेस तुम डाउट्स पूछो बट ना बहुत सारे बच्चे अभी नए आए हैं जिनको आई थिंक पता ही नहीं है कि ये जो क्विज है इसको ज्वाइन कैसे करना है तो एक बार मैं धीरे से पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ ठीक है मैम थर्मो केमिस्ट्री करवा दो प्लीज़ मैम रुतवी दिक्कत कोई नहीं है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैंने बोला कि मैं तीन घंटे में सारे चैप्टर्स वाली सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट करी है जिनको नहीं पता यूट्यूब पर इस टाइम पर डेली सिक्स टू तो सेवन पी मैं डेली लाइव आती हूँ ठीक है उसमें मैंने तीन तीन घंटे वाली सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है कि तीन घंटे में थर्मो केमिस्ट्री तीर में थर्मो सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करने हैं चिंता मत करो अगर तुम्हें लग रहा है कि YouTube पे शायद मतलब मान लो मुझे लगे कि YouTube पे मुझे कम टाइम मिल रहा है नो नीड टू वरी मैं स्पेशल क्लासेस पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर दूंगी ठीक है आई स्टार्ट टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन माई स्पेशल क्लास बट वो तीन तीन घंटे में सारे चैप्टर्स पक्का से कम्प्लीट कराऊंगी यू हैव माई वर्ड्स ठीक है चलो एक बार मैं बता देती हूँ क्विज ज्वाइन कैसे करनी है सबसे पहले क्या करोगे प्ले स्टोर पे जाओगे ठीक है जिनके पास ऐप नहीं है उनको ये बता रही हूँ उसके बाद लिखना अनअकेडमी लर्निंग ऐप इसको डाउनलोड कर लेना ठीक है सो अनअकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना उसके बाद ना वो तुमसे पूछेगा विच गोल आर यू इंटरेस्टेड जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करी होगी ना उनसे ऐप में क्वेश्चन आएगा कौन से गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज मेरी क्विज अटेंड करने के लिए ठीक है जो तुम गोल सेलेक्ट करोगे वो है सीबीएसई क्लास इलेवेंथ वापस बोल रही हूँ टू ज्वाइन माई क्विज यू हैव टू सेट योर गोल एज सी बी एस ई क्लास इलेवेन्थ वैसे मैंने जितनी भी स्पेशल क्लासेज और प्लस की क्लासेज ली हैं वो इसी गोल के अंडर हैं सो so, अगर मेरी स्पेशल क्लासेज फ्री क्लासेस किसी ने अटेंड करनी है सो प्लीज़ मेक श्योर यू यूज दिस कोर्स सी बी एस ई क्लास इलेवन उसके बाद प्लस पर चले जाना आधे बच्चों का डाउट आता है प्लस तो मैम पेड है है ना तो हम क्यों जाएं हमें तो पैसे भरने पड़ेंगे गाइस नहीं जितनी भी क्विजेज मैं कंडक्ट कराऊंगी मैं जितनी भी क्विजेज यूट्यूब पे लाइव कंडक्ट कराऊंगी सारी क्विजेज फ्री हैं बस तुम्हें जाना प्लस पे है कुछ ऐसा सा प्लस बना होगा इस पे चले जाना उसके बाद एक ऐसी सी स्क्रीन आएगी कौन से बैचेस चल रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में देख सकते हो सेंटर में ना टेस्ट लिखा हुआ आएगा ठीक है सो so, टेस्ट पे चले जाना उसके बाद ज्वाइन क्विज करना है और क्विज को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कोड डालना पड़ेगा कोड है जीरो सेवन जीरो सिक्स फोर सिक्स क्या है जीरो सेवन जीरो सिक्स फोर सिक्स जल्दी से क्विज ज्वाइन करो यू मी वन सेकेंड ओके जी सो so, अब अब मेरे ख्याल से सबको अब मैं कोड भी यहां लिख सकती हूं सो so, क्विज का कोड मैं यहां लिख देती हूं 070646, जल्दी से कर लो ज्वाइन जीरो विद विच यू हैव टू ज्वाइन द क्विज जल्दी से ज्वाइन करो तभी मैं क्विज स्टार्ट करू ठीक है हां जी तो अब मेरे से पूछते जाओ आज कॉल योर डाउट्स थर्टी वन ने ज्वाइन किया है फिफ्टी सिक्स है मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगी ठीक है आई विल नॉट स्टार्ट जब तक या तो लाइव वॉचिंग कम हो जाओ मैं क्लियर क्लियर बोल रही हूँ मिलेगी कि चलो जितने लाइव है उनके पास वो क्या कहते हैं हैं क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे क्योंकि आज का सेशन इज सिंपली अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन जितने अब तक कर कर आयो है ना सो या तो मेक श्योर sure जितने भी लाइव है वो क्विज में आ जाओ या लाइव कम हो जाओ मैं तुम्हें दोनों ऑप्शन दे रही हूँ बातें करोगे तो यार फिर अंदर से मुझे बड़ा गंदा लगता है ना मतलब साक्षी मैम के स्टूडेंट्स और क्विज क्विज जॉइन ही नहीं कर रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम वर्कशीट कहां मिलेगी प्लीज बताओ ये कौन है विशू विशू कल मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था यू डिडंट गेट तुमने तुम्हें नहीं मिली जिनको नहीं मिली है जिनको वर्कशीट नहीं मिली है ठीक है कल मेरी एक स्पेशल क्लास थी अच्छा मैंने ये बता देती हूं मैंने एक प्रॉमिस किया था अपने सारे स्टूडेंट्स को जितनी भी मैं स्पेशल क्लासेस लूंगी ना वेन एवर आई एल बी टेकिंग स्पेशल क्लासेस हर स्पेशल क्लास में एक एक वर्कशीट दूंगी सो so, जो कल स्पेशल क्लास ली थी उसकी वर्कशीट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है अगर किसी को नहीं मिली अगर किसी को नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आई हैव ऑलरेडी आई ऑलरेडी हैव द पी क्या करना कल मैं एक स्पेशल क्लास ले रही हूँ कल आई एम टेकिंग वन स्पेशल क्लास ठीक है उसके बारे में नोट डाउन कर लो ये देखो कल एक फ्री स्पेशल क्लास कंडक्ट कर रही हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए फॉर एवरी स्टूडेंट आई विल बी कंडक्टिंग फ्री स्पेशल क्लास टुमारो ठीक है टाइम नोट कर लो टू टू थ्री पी एम तो एक तो मेरी आई डी फॉलो कर लो ये मेरी आई डी है वी ओ आर ए टू सेवन जीरो फोर इसको एक तो फॉलो कर लो तो so, कल मैं एक स्पेशल क्लास ले रही हूँ टू टू थ्री पी एम और स्पेशल क्लास का टॉपिक तुम देख के मतलब हैरान हो जाओगे आई विल बी डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन एक एक मार्क के क्वेश्चन जो सी बी एस ई एग्जाम में स्कूल एग्जाम में आएंगे कल की क्लास सिंपली सी बी एस ई के लेवल की होगी जितने भी स्कूल एग्जाम में वन वन मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी बट अगर कोई नया बच्चा क्लास को ज्वाइन करेगा ठीक है तो तुम्हें एक इन्वाइट कोड डालना पड़ेगा जब पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे ऐप डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे मेरी आई डी जाओगे स्पेशल क्लास जाओगे इट कोड यूज करना पड़ेगा ये जो कोड है ना अब मैं इसकी बारी बारी वो नहीं करूंगी पब्लिसिटी अपने आप तुम याद रख लो साक्षी लाइव एस ए के एस एच आई एल आई वीई ये कोड डालना यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल माई स्पेशल क्लासेस ठीक है जो भी बच्चे सी बी एस ई में टारगेट कर रहे हैं इफ़ यू आर टारगेटिंग नाइन्टी प्लस इन केमिस्ट्री एग्जाम तो कल वाली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए मैं वन मार्कर थ्री मार्कर सिक्स मार्कर फोर मार्कर सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करती जाऊंगी एक के बाद एक स्पेशल क्लास में कल हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्कर के साथ और जिन बच्चों को टेलीग्राम पे शीट नहीं मिली मे बी यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल नो वरीज कल इसी स्पेशल क्लास में दो वर्कशीट मेरे से ले लेना एक पिछली क्लास की मतलब दिसंबर टू की और एक कल की दिसंबर फोर की ठीक है थर्टी फोर ज्वाइन फिफ्टी सेवन लाइव मैंने ना आज यहाँ पर एक चेयर ही रख लिया मैंने सोचा कि भाई मेरे को कुछ झटका वटका लगे तो मैं नीचे ही बैठ जाऊंगी चेयर पे क्योंकि तुम ज्वाइन ही नहीं करते हो ठीक है मतलब मुझे सिर्फ केमिस्ट्री से ही प्यार हुआ था मैथ्स भी मुझे अच्छी लगती है बट केमिस्ट्री वॉज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर रखा है ठीक है बताओ भाई बताओ जल्दी से ज्वाइन करो मैं या तो टाइम फिक्स कर देती हूँ ना तो तुम क्यू एन ए कर रहे हो फिर तो मैं ही बोर हो जाऊंगी अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन आया किसी बच्चे का ठीक है मैम स्पेशल क्लास होती क्या है और कौन कौन सी स्पेशल क्लासेस आपने ले रखी हैं चलो मैंने एक स्लाइड बना रखी है कि यहाँ पर मैं तुम्हें एक बार बताना चाहूंगी कि स्पेशल क्लासेस का नाम स्पेशल क्लास पता क्यों दिया था बहुत सारे बच्चे प्लस पे हैं प्लस पे पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं बट ना वो कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं ठीक है कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं बट उनके लिए एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करी जाती है क्योंकि ये क्लास ठीक है अपने स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं इसीलिए इसको हम स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं ठीक है अब ये स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्यों है ये भी तुम सुन लो मेरी बात यार यहाँ पढ़ना हर टीचर अपना हंड्रेड परसेंट पढ़ाता है ऑब्वियसली प्लस पे पढ़ाते ही पढ़ाते हैं हम अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं ठीक है वो बच्चे इतना आई मीन I mean, इतनी मेहनत से पढ़ते हैं प्लस पे तो डेफिनेटली क्लासेस बहुत अच्छी होती है ठीक है YouTube की क्लासेस के बारे में देखो वैसे तो अच्छी हैं बट एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम रह जाती है वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाती है लाइक like, अभी मुझे तुम्हें कन्विंस करना पड़ रहा है ज्वाइन करो ज्वाइन करो रादर इट से माय स्पेशल क्लास तो मैं तुम्हें दो मिनट का टाइम देती और मैं सीधा क्वेश्चन पोल में ही कर देती कि बस पोल आ गया टिक 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 टिक, टिक, टिक हो रही है आंसर करो तो तुम्हारी मर्जी नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है स्पेशल क्लासेस कंपेयर टू यूट्यूब क्लास ठीक है स्पेशल क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होते हैं यूट्यूब पे तुम्हें पता देखो, 57 है देखो फिफ्टी सेवन लाइव या थर्टी फोर थर्टी सिक्स ने ज्वाइन किया है बाकी बीस सिंपल बातें ही कर रहे हैं है ना तो ऐसे वो जो बातें करने वाले हैं वो हमारी स्पेशल क्लासेस में नहीं होते हैं सो so, अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा लिटरली पढ़ने के लिए तुमने आना है तुमने पढ़ना है टीचर से सो डेफिनेटली गाइस और अगर तुम यूट्यूब की क्लासेस अटेंड करते हो ना तो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार स्पेशल क्लास अटेंड करके देखो तुम्हें बहुत फील आ जाएगी यू विल बी लाइक मैम यूट्यूब पे भी और स्पेशल पे भी आपने सेम ही पढ़ाया है ना बट जो स्पेशल पे हमारा पढ़ने का तरीका था हमारे समझ आने की जो वो थी ना ग्रास्पिंग पावर होती है या लेट्स एक एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था तुम्हें तो स्पेशल में एक डिफरेंस जरूर मिलेगा दैट इज वाई उनको स्पेशल कहते हैं ठीक है सो स्पेशल क्लासेस पे मैंने एक तो कंप्लीट थियोरी कोर्स पढ़ा रखे हैं पूरी पूरी थियरी मैंने अपनी स्पेशल क्लासेस के कोर्सेज में डिस्कस कर रखी है ऐसे ही कोर्सेज मैं अपने प्लस के स्टूडेंट्स के लिए लगाती हूँ ऐसे ही कोर्सेज मैंने स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लगाए देख लो ये कोड है अगेन ये सब क्लासेस फ्री हैं दी स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग बट इनको ताला खोलना पड़ेगा और ताला खोलने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा विच इज साक्षी लाइव ठीक है सो वंस यू हैव टू यूज दिस कोड यू विल बी एबल टू वॉच ऑल माय स्पेशल क्लासेस इसके अलावा मैंने रैंक बूस्टर या मार्क बूस्टर कोर्स भी स्टार्ट कर रखे हैं जहां पर मैंने वन शॉर्ट रिविजन वीडियो लिए ठीक है मतलब वन शॉर्ट मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे ही मैंने वन शॉर्ट बोला लगभग एक से लेकर डेढ़ घंटे में इसके अलावा अगर किसी बच्चे को एनसीआर रिवाइज करनी है अगेन सारे एनसीआरटी के क्वेश्चन मैंने अपनी स्पेशल क्लास में खुद एक एक करके सोल्व कर रखे हैं सो मेक श्योर अटेंड कर लेना ये सारी चीजें तभी अटेंड कर पाओगे जब तुम मेरी आई डी पे जाओगे विच इज वोरा टू सेवन जीरो फोर एक कॉमन क्वेश्चन चैट में हर रोज आता है आयु साक्षी गन्नोत्रा और आयु साक्षी बोरा सो so दोनों ही मेरे नाम हैं यूट्यूब पे आधी वीडियोस एक नाम से हैं आधी वीडियोज़ एक नाम से हैं तुम किसी भी नाम से सर्च कर लो तुम्हें मेरी वीडियोस मिल जाएंगी ठीक है बट मेरी अन अकेडमी की आईडी ये है तो ज़रा प्लीज़ ध्यान से फॉलो कर लो ठीक okay, okay, है। जल्दी जल्दी थर्टी नाइन ने ज्वाइन किया अभी सॉरी थर्टी नाइन ने ज्वाइन किया जल्दी जल्दी, जल्दी करो मज़ा नहीं आता यार कम कंपटीशन में सिक्सटी फाइव बच्चे लाइव हैं। क्या ही मजा आएगा कल की स्पेशल क्लास का टाइम नोट कर लिया दिक्कत की बात नहीं है मैंने ये जो नोट्स थे ना ये जो मैं नोट्स कह रही हूँ जो मेरी वर्कशीट्स थी मैंने इनको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया था जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं है कल मेरी स्पेशल क्लास में आ जाना कल मैं अपनी स्पेशल क्लास में टू टू थ्री पी क्लास है कल की स्पेशल क्लासेस में अ, स्पेशल क्लास में आई विल बी टीचिंग वन मार्कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई के क्वेश्चंस ठीक है सो जिनको भी वन मार्कर क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ चाहिए वो भी क्लास अटेंड कर लेना वहां पर अपलोड कर दूंगी तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है गुड मॉर्निंग हाय हाय किसकी गुड मॉर्निंग हो रही है टेन मोर स्टूडेंट्स आई नीड एटलीस्ट फिफ्टी आई नीड टू स्टार्ट द क्विज जिनको जिनको है कि मैम जल्दी स्टार्ट करो पहले वीडियो को शेयर करो यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा है शेयर करो क्विज ज्वाइन करो फिफ्टी पे मैं स्टार्ट कर दूंगी हाउ इज एसवींस अरे हाँ ये बात तो डिस्कस ही नहीं करी हमने सो so, कल ना कल हमने अपनी स्पेशल क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि हमारी जो साक्षी मैम के स्टूडेंट्स की फैमिली है उसका नाम क्या रखना चाहिए तो मैंने सोचा था तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे ही कोई रखना पड़ेगा सारी मेहनत तुम मेरे से ही कराते हो है ना मेरे से ज्यादा टैलेंटेड मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो तुम लोग हो ना तो एक एक बार मेरे पास सारे नाम आ जाने चाहिए ठीक तु, है तुम्हारी फैमिली है मतलब हम सब इस फैमिली का पार्ट है तो नाम तो तुम्हारे वाला ही होना चाहिए मैं कौन होती हूँ नाम रखने वाली है ना चलो भाई मुझे बताओ मैम एसवीएं चलो एक आया है एसवीएं आगे बताओ एक आया के एस एच क्या बात है बहुत बढ़िया और बताओ सुपर ह्यूमी लेवल का नाम है सुपर चलो एसवी फैमिली ओके यार बस ये चार ही नाम है एसवीएस एसवीएस मतलब साक्षी बोरा स्टूडेंट्स अच्छा

अरे मेरी तारीफ नहीं करनी है केमिस्ट्री क्वीन और ये सब नहीं तुम लोग मेरी फैमिली का पार्ट हो ना तो फैमिली का नाम ऐसा होना चाहिए विच इज डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं रखते थे बचपन में यही होता था ना द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऐसे ही कुछ बनाओ ठीक है कुछ इस टाइप का बनाओ ओ भाई एक ने कमलेश ने कहा एस वी सी एच ई एम ई एन आई एन एस अब इसको तो प्रोनंसिएशन में मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है भाई थोड़ा इजी इजी बनाओ यार इजी मतलब मैं बोल ही ना सकूं लेक्चर में सिक्स मोर स्टूडेंट्स इन फॉर द क्विज जल्दी बिकॉज़ मेनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर वेटिंग कि मैं कब से कब क्विज स्टार्ट करूंगी जल्दी से ज्वाइन करो यह बढ़िया है कीर्ति का बहुत सही है शी सेइंग मैम फैमिली का नाम रखो साक्षी के एटम्स मतलब यार यह बढ़िया था जल्दी जल्दी मतलब फोर्टी फाइव हो गया फाइव मोर स्टूडेंट्स क्विक क्विक तभी मैं क्विज स्टार्ट करूंगी आज का जो हमारा मकसद है वो ये कि जितना स्कोर हम यहाँ पर जितना स्कोर हम करेंगे ना प्लस की इस इस क्विज में जो भी बच्चे कभी सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको वो सारे स्कोर को क्रेडिट की फॉर्म में लाइक यू कैन गेट ऑल द स्कोर क्रेडिटेड ठीक है तो इजी हो जाएगा सस्ता पड़ेगा कभी सब्सक्रिप्शन लोगे तो फोर्टी फाइव हो गया फाइव मोर स्टूडेंट्स आई नीड टू ज्वाइन द क्विज जल्दी आई I मीन mean, जल्दी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हर्षदीप फटाफट फड़ से वीडियो शेयर कर दो तभी जल्दी स्टार्ट करूंगी यार मेंटी में वो फील कहा मतलब, टाइमर और प्रॉपर एकदम एनालिसिस मिल जाएगा आंसर्स मिल जाएंगे क्वेश्चंस के विच आई थिंक इज द बेस्ट थिंग है ना क्या बात है मतलब कई लोग कह रहे हैं मैम नक्श के दीवाने

विच इज अनडमी अट ठीक है ऑल इंडिया चैंपियनशिप है सिक्स डिसम्बर क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा एन टी बेस्ड पढ़ाई नहीं करते हो और मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी कि करना स्टार्ट कर दो ये पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा जो पेपर है टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एन टी बेस्ड है ठीक है और तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू फाइव लैक्स विच आई थिंक इज अ गुड अमाउंट इन इट सेल्फ इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ठीक है टाइम मार्क कर लो इलेवन ए एम सिक्स डिसम्बर और इसमें सिलेबस देखो पीसीएम में सिर्फ एनसीईआरटी करनी है पीसीएम भी एनसीईआरटी और पीसीबी वालों को भी एनसीईआरटी इवन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है लाइव लाइव टेस्ट होगा ठीक है और तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का मौका मिलेगा एक घंटे का टेस्ट है सिक्सटी क्वेश्चन होंगे हंड्रेड मार्क्स का टेस्ट है प्योरली एन बेस्ड सो so, जिस बच्चे ने एन पढ़ रखी है आई थिंक उन बच्चों को अपने आप को एनालाइज करने के लिए ये टेस्ट जरूर से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए एंड प्राइजेस तो देखो मतलब कितने मचाऊ प्राइजेस हैं कितने बढ़िया हैं जो भी रैंक वन होगा ना ठीक है तुम ये सोचो जब तुम पेपर लिखने जाओगे सी का फाइनल एग्जाम तो कितने लाख बच्चों से कम्पीट करोगे है ना तब तुम्हारा क्या लेवल क्या परफॉर्मेंस होगा तो उसको आराम से यहाँ जज कर सकते हो बिकॉज दिस इज ऑल इंडिया लेवल टेस्ट इंडिया के हर कॉर्नर का बच्चा इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा ठीक है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है जिन बच्चों ने नहीं करा वो भी अभी कर लो एनरोल करने के लिए यू हैव टू एंटर द कोड तुम्हें पता ही है साक्षी मैम के जो स्टूडेंट्स हैं इस कोड को यूज कर सकते हैं ठीक है यू कैन यूज दिस कोड अब यहाँ पर

स्पेशल प्लस यूट्यूब पे मतलब फ्री कोर्सेज में भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्लस वाले स्टूडेंट्स को तो सिलेबस कंप्लीशन की चिंता करनी ही नहीं है बट जो बच्चे यूट्यूब और सिर्फ स्पेशल क्लासेस पे फॉलो कर रहे हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है डिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक तक कोशिश यही रहेगी कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दू ठीक है अच्छा

मेरा सामान वामान थे ना वो जो बैग्स वैग्स पैक करे थे वो सीधा आई आई टी रुड़की में लैंड हुए ठीक है so, इसी तरह जिद्दी मैं अभी भी हूँ नहीं स्टार्ट करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन तगड़ा होना चाहिए कम बच्चों में कम्पीट करने का मजा नहीं आता यार ये बहुत बड़े कमलेश तुम बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल नाम बता रहे हो भाई मॉलिकुलर केमिस्ट्री फोर्टी नाइन वन मोर स्टूडेंट वन मोर आई स्टार्ट जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड क्विज स्टार्टेड अब बाकी सब साइड में रख दो सिर्फ क्विज के क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे जस्ट कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चंस एनरोल करने के लिए करने पर क्या सर्च करना पड़ेगा अनुज्ञा में एनरोल करने के लिए यू हैव टू एनरोल फॉर व्हाट स्टार्टेड स्टार्टेड क्विज स्टार्टेड करना शुरू करो फर्स्ट क्वेश्चन सबके सामने आ गया है इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सीओसी बॉन्ड व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इट इज क्लासिफाइड एज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 100% स्टूडेंट्स का सही होना चाहिए देखो कितनों का सही है ये पता करते हैं आज तो मैंने एनफ टाइम दिया क्वेश्चन में मेक श्योर sure, आज स्कोर अच्छा आना चाहिए टॉप टेन स्टूडेंट टॉप इलेवन राम मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं आता था अगर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होता है तो उसको ईथर कहते हैं जिनको ऑर्गेनिक बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है जीओसी मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है अपनी स्पेशल uh, क्लासेस में अटेंड कर लेना ठीक है अरे हाँ भाई मुझे पता है किसी किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है यहाँ पर उनको छोड़ो अभी साइड में पहले ये क्वेश्चन करो डैश एटम शोज प्लस ई इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करता है बी आर माइनस ओ एच माइनस बी आर प्लस सी एन माइनस इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स वो खींच ले या इलेक्ट्रॉन्स ले ले करो करो बढ़िया आर्यन राजा राम रुत्वी किरण पद्मा शेख क्या बात है आज तो नए नए नाम भी है लीडर बोर्ड पर यह बढ़िया हो गया गाइज जो बच्चे अभी भी आ सकते हैं मतलब में पार्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हो डेफिनेटली आ सकते हो तुम लोग ये कोड डालना पड़ेगा दिस इज द कोड यू हैव टू एंटर और यहाँ पर अपना गोल सिलेक्ट कर लेना सीबीएसई क्लास इलेवन दैट्स द गोल विच यू हैव टू सिलेक्ट ओके मैम सारे के सारे चैप्टर्स डिटेल में करा दो हर्षिता इज सेइंग यूट्यूब पे ठीक है हर्षिता देखो टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था है ना मैंने कब से स्टार्ट किया आई थिंक अप्रैल से या मार्च से स्टार्ट किया था है ना तो अब फटाफट कराने के चक्कर में कुछ ना कुछ टॉपिक मिस हो जाएंगे तो हर चीज़ यूट्यूब पे खाली मैंने नहीं बाकी टीचर्स को फॉलो करो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ठीक है सो मेक श्योर सारे टीचर्स को फॉलो करो पढ़ो और अगर सिर्फ मेरी क्लासेस अटेंड करनी है लेट्स से तुम बहुत पर्टिकुलर हो आपसे पढ़ना है तो मेरी स्पेशल प्लस यूट्यूब अटेंड करना शुरू करो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे टॉपिक्स कराऊंगी कुछ यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएंगे कुछ स्पेशल पे हो जाएंगे बट ओवरऑल सारे टॉपिक्स हो जाएंगे ठीक है चलो जल्दी जल्दी और स्पेशल ज्वाइन कैसे करना है ये भी ये मैंने पूरा प्रोसीजर तुम्हें बताया ही है ठीक है स्पेशल पे देखो अभी तुमने कहा ना पूरे डिटेल में पढ़ाओ ये देखो जीओसी पूरा डिटेल जिनको ऑर्गेनिक टफ लगती है ये लो पूरा डिटेल पर है है आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, पूरा करा रखा है जीओसी कई बच्चों को बड़ी खतरनाक लगती है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो बिल्कुल बेसिक से जीओसी करा रखी है थर्मो इक्विलिब्रियम हर चीज मैंने स्पेशल क्लास में और यूट्यूब की क्लास में कंप्लीट करा ही रखी है ठीक है बस फॉलो करते जाओ कौन-कौन है फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं इफ द आयनिक रेडियस ऑफ ओ2- आयन इज एक्स पिकोमीटर एंड ओ एटम हैज एन आयनिक रेडियस ऑफ वाई पिकोमीटर देन एक्स और वाई में रिलेशन तुम्हें तो पता ही होना चाहिए एक एनायन एक एटम के कंपैरिजन में बड़ा होता है एक कैटायन एक एटम के कंपैरिजन में छोटा होता है और अगर एक ही एटम कैटायन एनायन और सिंपल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनके ऑर्डर होना चाहिए रेडियस का सबसे बड़ा एनाइन फिर एटम फिर आगे बात समझ, क्लासिफिकेशन में पूरी चीज़ थी। कमलेश नहीं, यार, यहां पर मत दो, में नहीं। भाई मैं सीरियसली चैच में आंसर नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ आई डोंट फील गुड अगर चैच में आंसर देते हो बेटर ज्वाइन uh, आंसर दो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से लाइक तुम खुद भी एनालाइज भी कर पाओगे और अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे ठीक है फिर से अरे रे चलो मैं ना वो वाली स्लाइड लगा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आ रहे हैं और बीच बीच में दे आर आस्किंग कि मैम ज्वाइन कैसे करना है सो लेट मी टेल यू ये रहा So, सबसे पहले एवरी वन ऑफ यू शुड हैव अन लर्निंग डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड इन योर फोन दैट्स पॉइंट नंबर उसके बाद अपना गोल कर लेना योर गोल हैज टू बी सीबीएसई क्लास इलेवेंथ उसके बाद प्लस पर जाना उसके बाद टेस्ट पर जाना और ज्वाइन क्विज पर चले जाना और इस क्विज को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कोड डालना पड़ेगा जीरो सेवन जीरो सिक्स फोर सिक्स कोड कितना बढ़िया आज जीरो सेवन जीरो सिक्स फोर सिक्स नाइस तो सेवेंथ क्वेश्चन चल रहा है हमारा सेल मेम्ब्रेन के अराउंड कौन सा आ, कौन से आयंस का एक्सचेंज होता है वैसे आ, अच्छा जो बच्चे नहीं जानते हैं गाइस मैं यूट्यूब पे अभी मैंने ग्रुप नंबर थर्टीन स्टार्ट कर रखा है आई हैव स्टार्टेड ग्रुप नंबर थर्टीन एक लेक्चर हो गया है कल हम दूसरा लेक्चर करेंगे जहां पर ग्रुप थर्टीन के कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ओके okay? उसके बाद ग्रुप नंबर फोर्टीन करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन इन्वामेंटल केमिस्ट्री मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि हर ऐसा चैप्टर मैं तुम्हें कराऊं यूट्यूब पे भी स्पेशल पे भी जो चैप्टर्स जनरली स्कूल में भी ठीक है सो नो ऑफेंस टू एनी मैं कुछ uh, ऐसा वैसा नहीं बोल रही हूँ ठीक है बट मैं सिंपली ये बोल रही हूँ कई ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो टीचर स्कूल में कह देते हैं येलो नोट्स खुद कर लेना ठीक है और उन चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा होती है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है पी ब्लॉक एस ब्लॉक हाइड्रोजन इन्वामेंटल केमिस्ट्री ठीक है ये सारे चैप्टर्स में अपनी क्लासेस में जरूर कराऊंगी जिन चैप्टर्स के लिए तुम इधर उधर भटकते हो ना कि यूट्यूब पे मिल नहीं रहे हैं एन समझ नहीं आ रही है सारे चैप्टर्स मैं तुम्हें कराऊंगी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट एक काम करना जिस पेज पे मैं पढ़ा रही हूँ मेक श्योर उसी पेज से तुम रिवाइज करते चलना सो so, अगर मैंने कहा कि ग्रुप नंबर थर्टीन कंप्लीट हो गया मेरी साइड से तो तुम्हारी साइड से भी कंप्लीट हो जाना चाहिए सारा कुछ तुम्हें आ जाना चाहिए तब तक ठीक है और अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं तो जो मैंने एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस ले रखी हैं वहां अटेंड कर सकते हो फाइन अच्छा बाय द वे एक बात बताओ जो बच्चे नए हैं ठीक है पी ब्लॉक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कब कराओगे मैम सो so, आर्यन एक बार पी ब्लॉक खत्म होने दो फिर स्पेशल क्लास पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी ठीक है एक बार पी ब्लॉक खत्म होने देते हैं अभी तक एट जीरो थ्री स्कोर हाइएस्ट है वो भी आर्यन का वेरी गुड आर्यन दर्शना देन आई थिंक शेख द एलिमेंट विदिक नंबर वन वन थ्री तुम्हें पता ही है हम क्या लगाते हैं वन के लिए अन फिर वन के लिए अन फिर थ्री के लिए ट्राई और लास्ट में नाम एंड होना है ई एम से बस अब अपने आप देख लो तुम्हें आंसर मिल जाना चाहिए नील का मतलब होता है जीरो है? अगर नील लिखा है क्वेश्चन में दैट जीरो पूछते जाओ जो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बातें तो कह तुम कर ही रहे हो मैं तुम्हें मना ही नहीं कर सकती दैट इज वाई आई से बहुत सारा क्राउड ऐसा होता है जो पढ़ने के लिए आता है बहुत सारा क्राउड ऐसा होता है जो सिर्फ बातें करने के लिए आते हैं ठीक है सो so, अगर तुम लिटरली पढ़ना चाहते हो मतलब पढ़ाई को सही मायने में बोलते हो ना मतलब पढ़ाई करना चाहते हो एक अच्छा एम्बियंस चाहिए पढ़ाई करने के लिए सो so, मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है उन स्पेशल क्लासेस में यू विल योरसेल्फ फील कि बहुत ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस में एक बूस्ट आ जाएगा बहुत ज़्यादा एक तुम्हें अच्छी फीलिंग आएगी सेम चीज़ यूट्यूब पे और सेम चीज़ स्पेशल पे पढ़ के देखो तुम्हें बहुत डिफरेंस लगेगा ठीक है एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर प्लस जो बच्चे प्लस में हैं वो इतने ज़्यादा रेगुलर हैं ठीक है थीके? उनका टेस्ट उनकी क्विज़ सब कुछ टाइम टू टाइम चलता है पूरा का पूरा कोर्स प्लान्ड होता है सो तो उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है ठीक है चलो कौन आ गया ये तनिष इज सो तनिष क्विज ज्वाइन करो जल्दी जल्दी अभी सिर्फ ट्वेल्व क्वेश्चन हुए हैं थर्टी क्वेश्चन है टोटल टोटल वी हैव थर्टी क्वेश्चन मेक श्योर अभी भी जिन बच्चों ने क्विज ज्वाइन नहीं किया तुम लोग क्विज ज्वाइन कर लो क्विक ये मतलब कैसी बातें करो यार प्यार धोखा मोहब्बत बस करो यार बस करो चिल मारो तुम क्या प्यार धोखा मोहब्बत में पड़ गए हैं प्यार करना है तो केमिस्ट्री से करो धोखा मिलेगा तो भी तुम्हें केमिस्ट्री में मिल जाएगा है ना मोहब्बत करनी है तो मैथ से कर लो क्या एक दूसरे के साथ प्यार धोखा मोहब्बत में पड़े हो अरे यार यहाँ देखो मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स टॉप टेन में अपना नाम मतलब जमा के बैठे हैं बहुत बढ़िया पैरामीटर ड्यू टू विच हाइड्रोजन इज स्कली प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफियर इज डेंसिटी बॉयलिंग पॉइंट कोवल एंट रेडियस दबव किस की वजह से हाइड्रोजन स्कॉर्सली प्रेजेंट होता है अर्थ एटमोस्फियर में वॉट इज द रीजन इज इट बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी इज इट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियस इज इट बिकॉज ऑफ इट्स बॉयलिंग पॉइंट और यू कैन टेक इंटू कंसिडरेशन ऑल द थ्री फैक्टर्स बताओ <coughs> कमलेश मतलब नहीं वहां पर आंसर्स मत दो डोंट गिव आंसर्स इन द चैट्स ओके यार देख रहे हो अभी जैसे मेरे फोन में तुम्हें ऊपर नोटिफिकेशन आया होगा तभी मैं बोल रही हूँ अगर तुमने आ, में तुमनेडमी लर्निंग एप में ठीक है मुझे फॉलो कर रखा होगा ना मेरी प्रोफाइल को तो मैं जब भी स्पेशल क्लास लूंगी जब भी मैं लाइव आऊंगी ठीक है जब भी मैं क्विज कंडक्ट कराऊंगी तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जिन टीचर्स को तुमने फॉलो कर रखा है उन सारे टीचर्स की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आती रहेगी फाइन मतलब तुम्हारा कोई भी जो जो सेशन है ना जो important, important हम लेते हैं कोई मिस नहीं होगा जैसे कल मैं अपनी स्पेशल क्लास में एक uh, कल आई एम गोइंग टू टेक वन स्पेशल क्लास जहां आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन फॉर सीबीएसई केमिस्ट्री के ठीक है So, जिन भी बच्चों को पूरा बुकलेट चाहिए ठीक तो पूरी पूरी sure कल, so, कल की फ्री स्पेशल क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के दो से तीन बजे तक की क्लास है एक घंटे में पूरी बुकलेट तुम्हारे को दे दूंगी कि वन वन मार्क के क्योंकि वन वन मार्क के क्वेश्चंस हैं तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है सो क्विक रिविजन हो जाएगी हर चैप्टर की। बट स्पेशल क्लास को ज्वाइन करने के लिए अनलॉक करना पड़ेगा, सो so, ये कोड डाल देना साक्षी लाइव ठीक है ओके सो फिफ्टींथ क्वेश्चन पर है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्विज ओवर हो गई है अदर हाफ इज लेफ्ट जल्दी से कर लो नीट एस्परेंट कैन अटेंड ये जो कल वाला सेशन होगा दैट विल बी सिंपली फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम्स अब यार तुमने स्कूल के लिए पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ठीक है दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन तो पता ही होने चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आते हैं सो so वो जो बीस नंबर आते हैं ना ठीक है बीस नंबर जो ईजी ईजी क्वेश्चन होते हैं ईजी तो मैं नहीं कहूँगी मतलब जिन क्वेश्चन के आने के चांसेज ज़्यादा हैं ऐसे सारे वन वन मारकर क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी ठीक है, so, कल की वीडियो से अपने बीस मार्क्स तो हमारे कंफर्म हो जाएंगे कि सत्तर में से बीस तो हमारे आ गए फिर छे <coughs> टू मार्कर थ्री मार्कर ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ठीक है हर्ष सिंह मेरा नाम याद है ना क्विज में आया था टॉप टेन में आज भी हर्ष आज भी नाम आएगा तो मैं पक्का नाम याद रख लूंगी ठीक है मतलब कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी ना मतलब एक रेगुलरिटी बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी कि एक दिन नाम आया दूसरी क्विज में आया तीसरी क्विज में आया तो तो फिर मुझे पता ही चले जाएगा कि इसका नाम तो आता ही आता है, है ना क्या बात है आज फर्स्ट पोजीशन पे कौन है शेख राइट क्या बात है ट्वेल्व हंड्रेड हो चुके हैं

फिफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल केमिस्ट्री की रिएक्शंस ठीक है सो so, जितनी भी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आई विल ट्राई स्पेशल क्लासेस में सारी कवर कर दूँ सो अगेन सबका सॉल्यूशन यही है कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आ जाओ ठीक है डाउनलोड कर लो इंस्टॉल कर लो उसके बाद अनलॉक कर लो एक बार जो भी आएगा ना उसको अनलॉक करना पड़ेगा ताला खोलना पड़ेगा एक बार ये कोड यूज़ कर लेना साक्षी लाइव उसके बाद सारी स्पेशल क्लासेस आराम से अटेंड कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद डैश इज अ हीट इवॉल्विंग प्रोसेस कौन सी प्रोसेस uh, ऐसी है जो एक्सोथर्मिक होगी अगर हम उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे हर्षदीप सिंह ए सेंग मैम एक और क्विज प्लीज अरे देखो आ, मैं एक और क्विज लूंगी ठीक है आई विल बी कंडक्टिंग वन अनदर क्विज बट अभी नहीं आठ बजे हम वापस मिलेंगे सो so, एक क्विज तो ये हो गई अभी हमने क्या किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ना सो so, रात को जो आठ बजे क्विज लूंगी उसमें हम करेंगे ऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन फाइन सो so, आज दो क्विजेस मैंने तुम्हारे लिए रखी है सो so, अब हर थर्सडे आई विल बी टेकिंग टू टू क्विजेस ओके एवरी थर्सडे टू क्विजेस आई विल बी टेकिंग मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम चैप्टर करेंगे थर्सडे को क्विज करेंगे फिर से फ्राइडे सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे चैप्टर डिस्कस करेंगे फाइन सो रात को आठ बजे क्विज अटेंड कर लेना समझ आ गई सो नाइनटीन क्वेश्चन है सिर्फ टेन मतलब इलेवन uh, क्वेश्चन हमारे पास हैं बचे हुए या तुमने मिक्स मतलब आंसर्स दे रहे हो आर्यन दर्शना शेख अरिजीत अर्चना अमोघ बिट्टू तुषार पद्मा अर्नव आई थिंक खूब सारे नाम जो हैं वो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स के ही हैं स्पेशल क्लास वाले बच्चे कहां गए हैं नए बच्चे कहाँ गए तुम्हारा नाम लीडर बोर्ड अबोटे क्यों नहीं आया अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने प्लस के स्टूडेंट्स को पहले से क्वेश्चन बता रहे नो गाइस ये सारे क्वेश्चंस मैं लाइव तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही द क्वेश्चन पेपर द क्वेश्चन कंप्लीट वर नॉट शेयर्ड विद एनीवन

हंड्रेड परसेंट सारे के सारे प्रो फीलिंग आ जाएगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो ठीक है और एनसीआर के क्वेश्चन करने हैं अगर तो अगेन स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लेना खूब सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रखे मैम आई हैव अ प्रॉब्लम सत्यम शर्मा प्लीज टेल यू प्रॉब्लम क्या हो गया सत्यम को DPP हाँ सत्यम मैंने DPP शेयर करी थी ठीक है आई हैव शेयर इट इन द टेलीग्राम चैनल एक बार चेक कर लो लाइव डेयरी डॉट मी स्लैश चैट वहाँ पर तुम्हें मिल गई DPP या नहीं अगर नहीं मिली वर्कशीट कोई दिक्कत नहीं है कल स्पेशल क्लास ले रही हूँ जहाँ वन मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी सो कोई दिक्कत नहीं है पिछली वाली DPP वहां वहाँ पर दोबारा अपलोड कर दूंगी ठीक है मैम आई एम कीर्ति एनसीआर है ना मैम क्लास इलेवेंथ का सिलेबस हाँ 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 क्लास इलेवेंथ का सिलेबस पूरा का पूरा एनसीआरटी ही है बट एनसीआरटी में देखो अब मैं बोलूँ कि एनसीआरटी बस पढ़ जाना मैं किसी भी एग्जाम को अगर तुम्हें क्रैक करना है इफ़ यू वांट टू बी प्रो फॉर एनी ऑफ द एग्जाम तो तुम्हें उस एग्जाम के टाइप कि, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो so, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अगर कोई बहुत अच्छे से कर लेता है ना तुम्हारे सेवेंटी में से सिक्सटी फाइव प्लस आराम से आ सकते हैं बट बहुत सारे बच्चे ना एन सी के क्वेश्चन लास्ट दिन करते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता बट कर देते हैं कैसे भी करके सो so, ऐसे नहीं करना अगर एन सी आर डिपेंड कर रहे हो ठीक है एन सी लाइन बाय लाइन पढ़ी है लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ डाली समझ भी आनी चाहिए ठीक है और एन के क्वेश्चन भी करने चाहिए तो ये वाली क्लासेज अटेंड कर सकते हो हाँ हाँ अच्छा अच्छा तुम ये पूछ रहे थे कि मैम उसका सिलेबस सिर्फ एन है येस yes. जो चैम्पियनशिप हो रही है उसका सिलेबस सिर्फ एन है येस फॉर दिस यू हैव ओनली एन सी आर टी सिलेबस फाइन वॉट इज टुमोरो स्पेशल क्लास टाइमिंग ओम कल की स्पेशल क्लास लूंगी दो से तीन ठीक है जिन बच्चों को एक लास्ट चीज बोल देती हूँ जिन बच्चों को इस बात से प्रॉब्लम है ना कि मैम uh, हम ना अपना टाइम टेबल ही मैनेज नहीं कर पाते कभी आप स्पेशल लेते हो कभी प्लस लेते हो कभी यूट्यूब लेते हो ये तो आपकी कहानी फिर इतने सारे टीचर्स और हैं उन सबकी क्लासेस हम अटेंड करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए एक ना मैंने अपनी स्पेशल क्लास में एक, एक लेक्चर लिया था कह दो या एक सेशन लिया था जहाँ पर मैंने अच्छे से बताया था कि हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम टेबल योर ओन वे ठीक है मतलब मैं तुम्हें टाइम टेबल लिख के दे दूँ शायद तुम उसे फॉलो नहीं कर पाओगे बट कैसे तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद से अच्छे से बनाना है वो मैंने डिस्कस किया था अपनी स्पेशल क्लास में हाउ टू मेक टाइम टेबल ठीक है सो मेक श्योर प्लीज उस स्पेशल क्लास को देख लेना बहुत सारे बच्चों का फायदा हुआ है जब मुझे वो हैड्स डेडिकेट करते हैं ना बच्चे तो उसमें पूरा लिख के बताते हैं है मैम पहले हम इतने घंटे पढ़ते थे फिर हमने आपके वाला टाइम टेबल फॉलो करा अब हम इतने घंटे पढ़ने लग गए so सो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ठीक है सो तुम लोग भी जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो एक बार प्लीज वो लेक्चर वो वीडियो वो सेशन अटेंड करना तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा ठीक है अरे अभी जो बच्चे आए हैं वो पूछ रहे हैं मैम हम क्विज कैसे ज्वाइन करें तो एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ देखो क्विज़ क्विज़ में में आई थिंक हमारे सिर्फ दो चार क्वेश्चन ही रह गए हैं जस्ट गिव मी सी सो जिसमें खूब सारे नाइनटी डिग्री एंगल्स हैं ठीक है बिल्कुल सिमेट्रिकल है ऊपर नीचे कहीं से भी देख लो एस एफ सिक्स को आंसर आप अच्छे से मार्क करना

जहां पर हम ऑर्गेनिक और, और फिजिकल केमिस्ट्री के, के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ठीक है सो मेक श्योर आठ बजे वाली क्विज भी सब बच्चे अटेंड कर लें अब एक बार मैं क्विकली यूट्यूब का टाइम टेबल बता देती हूँ देखो जो बच्चे यूट्यूब पर मुझे फॉलो करते हैं सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं ये सारा नाइन्थ नाइन सुबह नौ बजे से लेके ठीक है शाम के सात बजे तक क्लासेज हैं ये क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ का टाइम टेबल है अब तुम कहो कि मैम आप लोगों के स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल दे दो तो देखो तुम्हें हर टीचर को फॉलो कर लो वो ज्यादा बेटर रहेगा जैसे मैं अपनी स्पेशल क्लास का तुम्हें पूरा टाइम बता चुकी हूँ टू टू थ्री पी एम एवरी डे आई एम टेकिंग स्पेशल क्लास ठीक है कल भी स्पेशल क्लास लूंगी जहाँ वन मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो सी बी एस ई में आते हैं बस एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है नाउ वेन एवर यू अटेंड एनी टीचर स्पेशल क्लास यू नीड वन कोड ठीक है और तुम्हें मैंने कोड बता ही रखा है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कोड दिस इज द कोड साक्षी लाइव यूज दिस कोड अब कभी भी अगर तुम्हें स्पेशल क्लास अटेंड करनी है और तुम नए यूजर हो तो सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा ठीक है भाई खजाना है है ना तो अनलॉक करना पड़ेगा सो यू कैन यूज दिस कोड साक्षी लाइव एंड यूल बी एबल टू वॉच ऑल द फ्री कंटेंट ऑल्सो बाइट चलो ये देखो ये नोट डाउन कर लो यार कल की स्पेशल क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन हम करेंगे डिसम्बर फोर कल

चलो सो so, देखते हैं कौन लोग में टॉप टेन में रहते हैं वैसे अभी तो आर्यन है, दर्शना, शेख, अरिजीत, तुषार क्या बात है बहुत बढ़िया सो so, लेट्स ये लोग लास्ट तक कितना स्कोर कर पाते हैं ये हमें देखना है ठीक so, है चलो सो रेडी रहना आठ बजे वापस से बट आठ बजे हम फिजिकल केमिस्ट्री के, के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाएगा ठीक है स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे आठ बजे की क्विज में ठीक है एंड अगर कोई भी बच्चा तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह कोई भी अगर प्लस पर आ रहा है बस इस कोड को यूज कर सकते हो यू कैन यूज दिस कोड यू विल बी गेटिंग टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है चलो गाई सो थैंक यू सो मच टेक केयर विल बी मीटिंग वन अगेन एट एट पी एम ओके तब जो भी टॉपर्स होंगे उनका स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगी बाय बाय